Hello, everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the infinite knowledge hub. Please watch the video till the end. Also, like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello, everyone, I'm Devya Gansara. Welcome you all in the EVS class. So, students, टूडेज टॉपिक इज क्लोथ्स फॉर अस आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है क्लोथ्स फॉर अस क्लोथ्स क्या होते हैं कपड़े क्लोथ्स को हिंदी में क्या बोलते हैं कपड़े ओके फॉर अस हमारे लिए ठीक है स्टूडेंट्स सो वी ऑल वेयर क्लोथ्स हम सब जन कपड़े पहनते हैं और वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं अच्छे से कवर करते हैं ओके okay. और हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग कपड़े पहनते हैं ठीक है सो जैसे आप लोग घर में होते हो तो तब अलग क्लोथ्स हम वियर करते हैं जब आपको कोई शादी वगैरह में जाना होता है बाहर जाना होता है तो हम एकदम न्यू न्यू क्लोथ्स निकाल के पहनते हैं आप लोग स्कूल आते हो तब क्या आप घर के कपड़े पहन के आते हो क्या नो वॉट डू हैव टू वियर आपको क्या वियर करना होता है आप सब जन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीनली पहन के आते हैं यस तो ये सब क्या है क्लोथ्स से और जैसे सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में हम कौन से कपड़े पहनते? पहनते हैं वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ठीक है ताकि हमें ठंड कम लगे गर्मियों में हम ग, गर्मियों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं रेनी सीज़न होता है तो हम रेन कोट पहनते हैं ओके सो so, अलग अलग टाइम पे पूरे साल में मीनस अलग अलग सीजन्स रहते हैं अलग अलग टाइम आता है तब हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं ओके और स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा पुराने जमाने में लोग अलग कपड़े पहनते थे आज जो हमें अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं ओके okay? सो so, आज के चैप्टर में हम यहीं पढ़ेंगे ठीक है सो नाउ शैल वी स्टार्ट द चैप्टर क्लोथ्स फॉर अस ठीक है सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर वी वी आर क्लोज टू कवर आर बॉडी हम वी वियर क्लोथ हम कपड़े पहनते हैं क्यों पहनते हैं हमारी जो ये बॉडी है इसको कवर करने के लिए हम क्लोथ को वियर करते हैं ओके सेकेंड पॉइंट क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हॉट सन एंड द कोल्ड वोटेक्ट प्रोटेक्ट करना क्या होता है बचाना अब बच्चों जो क्लोथ्स है वो हमें बचाते भी आपको पता है वो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं कैसे जब बहुत तेज गर्मी होती है उससे हमें बचाते हैं या कोल्ड विंड ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है तो उससे भी हमारे जो क्लोथ है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगर ठंडी हवा होगी तो हम क्या करेंगे फटाफट से स्वेटर निकालेंगे या जैकेट निकालेंगे और वो हम पहन लेंगे ठीक है उससे फिर हमें ठंडी हवा नहीं लगेगी सो जो क्लोथ है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बचाते हैं हमारी रक्षा करते हैं किससे किससे रक्षा करते हैं फ्रॉम द हॉट सन एंड द कोल्ड विंड हॉट सन जो गर्म गर्मी जब होती है उससे बचाते हैं और जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है विंड क्या होती है एयर विंड को हम एयर भी बोलते हैं सो so, जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है उससे भी हमें बचाते हैं ओके पॉइंट नंबर थ्री क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन एंड द इंसेक्ट बाइट अभी तक तो वो क्लोथ हमें गर्मी से बचाया ठीक है और किस से बचाया ठंडी ठंडी कोल्ड विन से बचाया अब क्लोथ हमें बचाते हैं रेन और इंसेक्ट बाइट से अब जो हम जो क्लोथ पहनते हैं क्लोथ्स पहनते हैं वो हमें बारिश से भी बचाते हैं कैसे जब बारिश में अगर आपको कोई बाहर जाना होता है तो हम क्या पहन लेते हैं फटा फटाफट से रेनकोट निकाला और उसको हमने पहन लिया तो फिर रेन से भी हम बच गए बारिश से भी हम बच गए हम गिले हुए ही नहीं वैसे ही क्लोथ्स हमें इंसेक्ट बाइट इंसेक्ट क्या होते हैं मच्छर क्या होते हैं मच्छर इंसेक्ट की बाइट से भी मच्छर के कांटे से भी हमें बचाता है कैसे अगर आप लोगों ने फुल स्लीवस का टी शर्ट पहन रखा होगा नीचे पुलोवर या आपने लेगिंग डाल रखी होगी गर्ल्स ने तो क्या आपको इंसेक्ट बाइट कर पाएंगे नहीं अगर खाली जगह होगी वहीं पर आके मच्छर खाएंगे ओके सो so, इंसेक्ट क्लोथ जो है हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाता है ठीक है बहुत सा जब हम रात को सोते हैं गर्मियों में कभी हमें मच्छर खाते हैं तो हम क्या करते हैं फटाफट से ब्लैंकेट निकालते हैं और वो ओढ़ लेते हैं ठीक है उससे भी हम मेरी रक्षा होती है ठीक है उससे भी हम जो इंसेक्ट जो हमें बाइट है वो बाइट नहीं कर पाते हैं ओके क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल अब क्लीन क्लोथ्स क्या होते हैं क्लीन क्या होता है साफ अगर आपने साफ सुथरे क्लोथ्स पहन रखे होंगे तो उस टाइम आप कैसे लगोगे स्मार्ट लगोगे और ब्यूटीफुल लगोगे सुंदर लगोगे यस और अगर आप लोगों ने डर्टी क्लोथ्स पहन रखे होंगे तो क्या आप अच्छे लगोगे हैंडसम लगोगे आप लोग या ब्यूटीफुल लगोगे नहीं तो हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए साफ सुथरे क्लोथ्स पहनने चाहिए एकदम अच्छे से आयरन हुए हुए वॉश किए हुए अच्छे से वो वाले क्लोथ्स हमें पहननी चाहिए उससे हम क्या होते एकदम स्मार्ट लगते हैं ब्यूटीफुल लगते हैं हम ओके सो so, अभी तक हमने देखा जो क्लोथ है जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमें बचाते हैं गर्मी से बचाते हैं ठंड से बचाते हैं रेन से बचाते हैं इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं वो हमारे सो so, देखो अपने जो हम कपड़े पहनते कितनी मदद करते हैं हमारी यस yes? और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने से हम क्या होंगे एकदम स्मार्ट दिखेंगे ब्यूटीफुल दिखेंगे सुंदर सुंदर दिखेंगे नाउ नेक्स्ट नाउ लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट वियर क्लोथ्स आपको पता है लॉन्ग अगो को मीन्स बहुत सालों पहले स्टूडेंट्स आपको पता है उस टाइम पे क्लोथ्स होते ही नहीं थे तो उस टाइम लोग क्या पहनते होंगे पता है आपको यस yes. किसी किसी को पता है किसी को नहीं पता है ठीक है चलो मैम बताते हैं आपको सो so, बहुत सालों पहले ठीक है तब है ना क्लोथ्स भी नहीं थे तब आपको पता है जो हम ह्यूमन बींग है जो हम क्या पहनते थे उस टाइम पे दे कवर डैम सेल विद द लीव्स एंड द स्कीन ऑफ डैड एनिमल्स उस टाइम पे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए लीव्स जो होती है लंबी लंबी आपने देखा क्योंकि ना बनाना वाली लीव जो होती है कितनी लॉन्ग लीव होती है उससे अपनी बॉडी को वो कवर करते थे ठीक है नहीं तो जो एनिमल मर जाते हैं जो एनिमल मर जाते हैं ना उनकी स्किन को निकाल लेते हैं फिर उसको टाई करते हैं ऐसे देखो ये जो मैन है एनिमल की स्किन को उसने अच्छे से अपनी बॉडी को कवर कर रखा है ठीक है जब बहुत सालों पहले पता है जब कपड़े नहीं होते थे तब क्या पहनते थे लीव्स और डेड एनिमल की स्पिन स्किन को वो वियर करते थे ठीक है याद रखिएगा स्लोली पीपल लर्न टू मेक क्लोथ उस टाइम पे तो पता ही नहीं था क्लोथ कपड़ा क्या होता है क्या आ, क्या पहनना चाहिए क्या ओढ़ना चाहिए उनको कुछ भी पता नहीं था जो बोलते ना आदिवासी जो लोग थे पहले बहुत सालों पहले थे ठीक है वो वो जो होते थे मीन्स उस टाइम पे जो क्लोथ्स का जो है ना कॉन्सेप्ट ही नहीं था कपड़ों का कुछ महत्व ही नहीं था कपड़े थे ही नहीं उनको पता ही नहीं था कपड़े कैसे बनते हैं किस चीज़ से कपड़े बनते हैं कैसे पहनते हैं उनको कुछ पता नहीं था फिर धीरे धीरे उनका माइंड चलने लगा फिर उन्होंने धीरे धीरे पहले तो वो लीव्स पहनते थे या डेड एनिमल की जो मरे हुए जानवर की जो चमड़ी होती थी उसको पहनते थे ठीक है पर फिर बाद में उनका धीरे धीरे माइंड चलने लगा फिर उन्होंने क्लोथ बनाना सीखा कि कपड़े कैसे बनाते हैं किस क, किस चीज़ से कपड़े बनते हैं उन्होंने वो सीखा फिर वो सब जन कपड़े पहनने लगे ठीक है नाउ नेक्स्ट क्लोथ्स फ्रॉम डिफरेंट सीजन्स सो डिफरेंट सीजन्स होते हैं हमारे यहाँ समर विंटर रेनी अलग अलग टाइप के सीजनस होते हैं हमारे तक तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स को हम वियर करते हैं अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन के हिसाब से सो फर्स्ट वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट सीजन सो हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं ओके सो फर्स्ट सीज़न हमारा यहाँ पे आ रहा है समर सीज़न समर क्या होता है गर्मियाँ गर्मियों में हम अलग कपड़े पहनते हैं तो समर सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं वी वीर कॉटन क्लोथ्स इन समर वी वी अर कॉटन क्लोथ्स जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हम समर सीजन में पहनते हैं रिमेंबर क्या याद रखना है वी वीर कॉटन क्लोथ्स इन समर हम जो समर सीजन के अंदर है कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स अस कूल कॉटन क्लूज पहनने से हम क्या रहते हैं कूल cool रहते हैं गर्मियों के दिन में कि आप जैकेट पहन पाओगे या स्वेटर पहन पाओगे आप लोग नहीं अगर वो आपने पहना ऑलरेडी तो बार आ, जो इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी गर्म है और आपने जैकेट और डाल ली तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाएगा आपका अजीब सा जी होने लग जाएगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो उस टाइम पे हम कौन से कपड़े पहनते जो जो कपड़े पहनने से हमें थोड़ा कूल कूल लगे ठंडा ठंडा लगे तो कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं उनको पहनने से हम कूल महसूस करते एकदम ठंडा ठंडा महसूस करते हैं कौन से कॉटन क्लोथ्स होते हैं जैसे बॉयज़ जो है बॉक्स जो बॉक्सर होता है जो वो पहनते हैं टी शर्ट्स पहनते हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पहनते हैं टी शर्ट्स पहनते हैं गर्ल्स फ्रॉक पहनती है ठीक है टी शर्ट सो बॉयज़ और गर्ल्स जो है ज़्यादातर क्या पहनते हैं टी शर्ट पहनते हैं कैप्रीज पहनते हैं गर्मियों में हम यही पहनते हैं और गर्ल्स जो है गर्ल्स और क्या पहन सकती है फ्रॉक ठीक है ये जो क्लोथ बने हुए होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं कॉटन से ठीक है कॉटन हमें क्या रखता है कूल cool रखता है वो हमें थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है इसलिए गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं ओके तो समर सीजन में भी ये कॉटन क्लोथ्स इट कीपर्स कूल वो हमें कूल cool रखते हैं नाउ नेक्स्ट सीजन इज योर विंटर सीजन विंटर क्या होता है सर्दियों वाले दिन जब जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं वी वी वुलन क्लोथ्स इन विंटर हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं वुलन क्लोथ्स क्या होते हैं जो ऊन से बने हुए होते हैं ठीक है वो जो वुल से बने हुए होते हैं किससे बने होते हैं वूल से बने होते हैं उनको बोलते हैं वुलन ठीक है जिससे हम वुलन क्लोथ्स कीपर्स वॉर्म वुलन क्लोथ्स पहनने से हम क्या रहते हैं वाम रहते हैं वाम मीन्स गर्म गर्म महसूस करते हैं हॉट हॉट महसूस करते हैं वो होता है वाम ठीक है जब हमें बहुत ही सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं स्वेटर पहन लेते हैं ठीक है और हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं लेग्स में शॉ जो सॉक्स होते हैं वो हम पहन लेते हैं तो उसे हमें गर्मी लगती है ठीक है बाहर जो इन्वामेंट सर्दियों में एकदम ठंडा ठंडा होया हुआ होता है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो उस टाइम हम वुलन क्लोथ्स वियर करते हैं ताकि हम वार्म रहें गर्म रहें तो कौन कौन से होते हैं कोट स्काफ बूट्स सॉक्स हैट ईयर मफ कान को के ईयर मफ भी पहनते हैं हम तो ये जो होते हैं वुलन क्लोथ्स में आते हैं इंक्लूड होते हैं इसको पहनने से हम वार्म महसूस करते हैं और हॉट आउट महसूस करते हैं सो विंटर सीजन में कौन से पहनते हैं वुलन क्लोथ्स ओके नाउ नेक्स्ट सीजन इज योर रेनी सीजन बारिश का अच्छी लगती है बारिश सबको यस नाउ रेनी सीजन वी वीयर अ रेन कोट वैन वी गो आउट इन द रेन देखो यहाँ पे इस बच्चे ने क्या पहन रखा है रेन कोट पहन रखा है पहन रखा है जब बारिश में हमें किसी काम से बाहर जाना होता है तो हम क्या करते हैं रेनकोट पहन के बाहर जाते हैं ठीक है रेन कोट कीपर्स ड्राई रेन कोट हमें क्या रखता है ड्राई रखता है ड्राई मीन्स सूखा रेन कोट पहनने से हम गिले नहीं होते हैं क्योंकि वो जो है प्लास्टिक मटेरियल होता है जिससे रेनकोट बना होता है उससे जो पानी है अंदर तक हमारे बॉडी को टच नहीं कर पाता है वो बाहर से ही वो रेनकोट ही गीला होता है हम पूरे गीले नहीं होते हैं ठीक है ठीके? हम अंदर से एकदम ड्राई रहते हैं सूखे रहते हैं ठीक है वो हमें वेट नहीं करता है सो so, और अगर रेन में बाहर जाना हो तो वी कैन टेक अम्ब्रेला और हम अम्ब्रेला भी लेते हैं साथ में ठीक है so, सो रेनी सीजन में हम कौन से क्लोथ वियर करते हैं या तो रेन कोट या वी कैन टेक अम्ब्रेला ओके okay. सो so, वहाँ तक हमारा सीजन कंप्लीट होते हैं समर विंटर एंड रेनी सीजन अलग अलग सीजन में अलग अलग क्लोथ्स हम वियर करते हैं और कौन कौन से पहनते हैं वो भी हमने देख लिया है नाव क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ अप बच्चों जो हम कपड़े पहनते हैं ये कहाँ से आते हैं इसको कैसे बनाते हैं वो अब हम पढ़ेंगे ठीक है अब आपका यहाँ लिखा है वी गेट कॉटन फॉम कॉटन प्लांट कॉटन क्या होती है रुई कॉटन तो पता है ना रुई होती है ठीक है अब कॉटन हमें कहाँ से मिलती है कॉटन प्लांट से यहाँ देखो बच्चों ऐसा एक कॉटन प्लांट होता है ठीक है एक पौधा होता है उसके ऊपर कॉटन आई भी होती है कॉटन जो आई होती है उस ठीक है कॉटन कहाँ पे होती है कॉटन प्लांट पे ऐसे झुंड में आप देखेंगे वाइट वाइट हुआ होता है ठीक है जैसे आपने फ्रूट्स देखे हैं ना प्लांट पे वैसे ही एक प्लांट होता है जिसपे ऐसी ही वाइट वाइट आप लोग दिख रहे हैं ये कॉटन आई भी होती है ठीक है कॉटन कहाँ से आती है कॉटन प्लांट से आती है कॉटन ग्रो इन पॉड्स पॉड्स होती है फली ये जो कप कॉटन प्लांट की जो फली होती है उसको हम बोलते हैं कपास हिंदी में आपने सुना होगा कपास ठीक है कपास की फली ठीक है कॉटन पॉड्स क्या होते हैं कपास की फली ये जो ऐसे गोल गोल है इसको हम पॉड्स बोलते हैं ठीक है थीके? ये जो होती है एकदम झुंड में ऐसे एक साथ आई हुई होती है प्लांट पे ठीक है अलग 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 ठीक है, है ये होता है कॉटन पॉड्स में उगती है ये ठीक है द पॉड्स आर पिक्ड फिर क्या करते हैं ये जो पॉड्स होते हैं इनको हम निकाल लेते हैं इसे ठीक है इनको हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं इनको निकालने के बाद थ्रेड इज मेड फ्रॉम देन थ्रेड क्या होता है धागा ठीक है ये कॉटन निकालने के बाद हम इसका धागा बनाते हैं ऐसे देखो ये गर्ल के हाथ में यहाँ पे कॉटन है फिर इसको उसने चक्री के ऊपर ऐसे बांध रखा है और ऐसे फिर इसको से लंबा कर कर के से थ्रेड बनाते हैं थ्रेड क्या होता है धागा फिर कॉटन से क्या बनता है उसका धागा बनने लगता है मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन इसको स्पिनिंग अब जो ये ये गर्ल जो है ये प्रोसेस कर रही है ना ये वाला क्या कर रही है Make, ये ये थ्रेड बना रही है किससे बना रही है कॉटन से बना रही है ये गर्ल जो है कॉटन से थ्रेड बना रही है इस प्रोसेस को ये जो प्रोसेस ये जो कर रही है इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग क्या बोलते हैं स्पिनिंग क्या बोलते हैं स्पिनिंग जब हम कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग क्या बोलते हैं स्पिनिंग ओके दिस थ्रेड इज मेड इन टू क्लोड ऑन ए लूम अब बच्चों एक बार यहाँ देखो अब धागा हमने बना लिया कॉटन से हमने अभी तक क्या बना लिया थ्रेड बना लिया धागा बना लिया अब उस धागे को हम लूम में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे आपने ये मशीन देखी होगी ठीक है इस टाइप की एक मशीन होती है यहाँ पे सारे थ्रेड्स को ऐसे लूम बनाया जाता है मेकिंग क्लोथ फ्रॉम द थ्रेड फिर जो लूम बन जाता है उसे क्लोथ बन जाता है कपड़ा बन जाता है ठीक है उस थ्रेड से जो हम कपड़ा बनाते हैं ऐसे पूरा उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम वीविंग बोलते हैं वीविंग ठीक है सो हमने अभी सीखा क्या सीखा कि जो कपड़ा है जो क्लोथ है वो कैसे बनता है कैसे बनता है सबसे पहले कॉटन प्लांट के ऊपर क्या उगती है कॉटन उगती है कपास जो कपास की जो फली होती है वो उगती है फिर उसको हम तोड़ते हैं प्लांट में से निकालते हैं ठीक है निकालने के बाद फिर जो प्रोस फिर जो कॉटन होती है उसे हम थ्रेड बनाते हैं धागे बनाते हैं धागे बनाने के प्रोसेस को कॉटन को धागे बनाने के प्रोसेस तक वो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग हमारी गोल गोल तो उसको क्या बोलते हैं स्पिनिंग क्या बोलते हैं स्पिनिंग ठीक है इसने कर ली थ्रेड बना लिया अब थ्रेड को देखो ये थ्रेड के गोल गोल चक्र हैं ठीक है इससे फिर लूम बनता है एल डबल ओ एम लूम ठीक है एक ही थ्रेड को पास में लाया जाता है फिर उसको ऐसे ज्वाइन किया जाता है तो उससे क्या बनता है क्लोथ बनता है उससे एक कपड़ा बनता है ठीक है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग क्या बोलते हैं विंग ठीक है वीविंग. फिर बाद में हमारे पास एक कपड़ा बन के तैयार हो जाता है ठीक है एक लंबा सा ऐसे पूरा एक कपड़ा बनता है लूम में ओके तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया कि जो कपड़ा है एक कपड़ा जो कॉटन का जो कपड़े होते हैं वो कैसे बनता है क्या ध्यान रखना है सबसे पहले कॉटन लेते हैं कॉटन प्लांट से फिर कॉटन का हम थ्रेड बनाते हैं धागा बनाते हैं फिर धागे को हम एक साथ लूम करते हैं जॉइन करते हैं फिर उससे एक क्लोथ बनता है ठीक है स्पिनिंग और वेविंग करने के बाद एक जो कपड़ा है वो बनके तैयार होता है हम ऐसे क्लोथ बनाते एक एक कपड़े को देखो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ओके okay? सो so, ये अभी हमने जो प्रोसेस सीखा वो था एक कॉटन की क्लोथ को बनाने का ओके नाव ध्यान क्या रखना है बच्चों इसमें एक चीज़ और आई है मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन कॉटन के से जिससे हम थ्रेड बना रहे हैं वो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग क्या बोलते हैं स्पिनिंग देन मेकिंग क्लोथ फ्राम थ्रेड और थ्रेड से जब हम क्लोथ बना रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं विविंग ओके नाउ नेक्स्ट वन ओके अभी हमने सीखा कि कॉटन का क्लोथ कैसे बनाते हैं ठीक है अब क्लोथ्स आर मेडअप ऑफ अब जो वुलन क्लोथ है वो कैसे बनते हैं वो अब जानते हैं सो so, अब आपका है द थिक हेयर थिक क्या होते हैं घने घने बाल हेयर क्या होते हैं बाल थिक हेयर ऑन ए शिप बॉडी इज कॉल वुल बच्चों देखो ये शिप है ठीक है ये शिप की आप देखोगे ना ये वाइट वाइट जो हेयर है इतने सारे ये वाइट वाइट हेयर्स दिख रहे हैं आप सबको ये इसके बाल बहुत ज़्यादा थिक थिक होते हैं थिक थिक हेयर होते हैं ठीक है? है फिर क्या करते हैं इसके हेयर्स को काटते हैं ऐसे ठीक है क्लीन है? करते हैं फिर इसके हेयर्स ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं ये जो हेयर्स है ना यही वुल है ये क्या उन है ऊन है ऊन आपको पता है ना स्वेटर किससे बनता है ऊन से बनता है ऊन कहाँ से है। कहा आती है शिप की जो हेयर होते हैं ना बाल शिप के जो इतने सारे बाल होते हैं इसको हटाया जाता है फिर इससे बनती है वुल ठीक है जैसे कॉटन को लंबा कर कर के थ्रेड बनाया था वैसे ही इसके जो हेयर होते हैं उससे हम बनाते हैं वूल ऊन बनती है उससे द एयर इज क्लीन एंड टर्न इन टू वुलन थ्रेड अब इसके हेयर्स को क्लीन किया जाता है फिर उससे क्या बनता है वुलन का थ्रेड बनता है ऐसे ऊन बनता है वुल इज़ यूज टू नेट द स्वेटर कैप एंड सॉक्स फिर ये जो वुलन का थ्रेड बन गया फिर आपने देखा होगा ना जो दादी जी आप लोगों ने देखा दादी जी या नानी जी को वो स्वेटर को बुनती है ऐसे ऐसे टू स्टिक्स लेके बैठती है फिर उससे पूरा एक स्वेटर बना देती है देखा होगा ना आपके आस पड़ोस में भी आपने देखा होगा तो ऐसे ऊन से बैठ के फिर वो स्वेटर हो गया सॉक्स हो गया स्काफ़ हो गया वो या कैप हो गई वो सब उससे बना देती है ठीक है सो इसमें क्या ध्यान रखना है सिर्फ शिप होती है शिप की जो थिक हेयर है उसको क्लीन करते हैं साफ करते हैं फिर वो जो होती है वूल होती है फिर वो वूल का थ्रेड बना लेते हैं हम वूल के थ्रेड बनने के ऊन बनने के बाद उससे हाँ जो दादी जी अगर होते और जो जो भी गर्ल या होती है जिसको आता है वो बैठ के उससे स्वेटर बना लेते हैं कैप बना लेते हैं स्कॉफ बना लेते हैं या ग्लव्स बना लेते हैं ठीक है सो so, अब तक हमने देखा कि कॉटन क्लोथ्स कैसे बनते हैं वुलन क्लोथ्स कैसे बनते हैं ओके नेक्स्ट एक और चीज हम देखेंगे नेक्स्ट आपका है सिल्क आपने सुना है ना सिल्क की साड़ी बहुत महंगी होती है पता है आपको वो कैसे बनती है पता है आपको कैसे बनती है वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वम सिल्क वॉर्म देखा है सब नहीं वाला एनिमल ठीक है ये जो है सिल्क वॉम है क्या है सिल्क वॉम सिल्क इज़ यूज सिल्क जो है हमें सिल्क वॉम से मिलता है अब ये जो सिल्क वॉम है ना ये हमें एक सिल्क देता है ठीक है क्या देता है सिल्क ऐसे आप देखेंगे इसका जो कपड़ा होता तो है ना एकदम सॉफ्ट होता है ऐसे ऐसी सिल्क हमें मिलता है ठीक है सिल्क का भी फिर हम थ्रेड निकाल थ्रेड बना लेते हैं ठीक है ठीके? फिर उससे ऐसे सिल्क की साड़ी बन जाती है ठीक है सिल्क के स्काफ बन जाते हैं सिल्क के जो भी अदर आइटम्स है वो हम उससे बना लेते हैं सिल्क से मिलती है हमें सिल्क वाम से ठीक है सिल्क वॉम हमें सिल्क देता है सिल्क से हम उसकी साड़ी स्काफ़ जैकेट, जो भी हमें सिल्क का बनाना होता है वो हम बना लेते हैं ओके नाव सो अभी तक हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे कपड़े बनते हैं ठीक है अब आपका आ रहा है क्लोथ्स यू वेयर यूनिफॉर्म योर यूनिफॉर्म टू स्कूल आप लोग स्कूल आते तब क्या पहन के आते हैं यूनिफॉर्म और आपने नोटिस किया होगा कि आपके सारे जो फ्रेंड्स हैं ठीक है ठीके? वो सब भी सेम यूनिफॉर्म ही पहन के आते हैं ओके okay? सारे एक स्कूल के अंदर सारे स्टूडेंट की सेम यूनिफॉर्म होती है ओके देन सिमिलरली देर अदर हु वीयर यूनिफॉर्म और आपने अपने आस पड़ोस में कहीं देखा होगा कि अपने सराउंडिंग में आप लोगों ने देखा होगी बहुत से लोग हैं सेम तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं मीन सेम सेम कपड़े पहनते हैं सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं कौन कौन होते हैं वो डॉक्टर्स सबको देखा है डॉक्टर जो है वाइट कोट डालता है सबके है ना तो जो भी डॉक्टर होगा सब डॉक्टर की पहचान हम कैसे करते हैं कि उनके वाइट कोट होगा सेम यूनिफॉर्म रहती है नर्सेस नर्स nurse की भी सेम यूनिफॉर्म होती है पीपल इन पुलिस और जो पुलिस में पीपल होते हैं उन सब की भी सेम यूनिफॉर्म होती है पोस्टमैन हो गया पोस्टमैन की भी सेम यूनिफॉर्म होती है और नीचे देखो यहाँ पे जो चेफ़ जो खाना बनाने वाला होता है शेफ जो होता है उसकी भी सेम होती है जो ये हॉस्टसेज होती है जो एयरपोर्ट uh, पे वर्क करती है उनकी भी सेम यूनिफॉर्म वो भी यूनिफॉर्म वेयर करते हैं और जो हाँ, काम करने के लिए आते हैं हमारे घर की सेम यूनिफॉर्म होती है वॉचमैन हो गया नर्स हो गया एक बिजनेसमैन हो गया अगर किसी का को कोई बिजनेस है तो वहाँ पर यूनिफॉर्म होती है सब सब की सेम यूनिफॉर्म होती है ठीक है so, सो आपने अपने सराउंडिंग में सारे पीपल्स देखे होंगे जो सेम सेम यूनिफॉर्म को पहनते हैं ठीक है वो यूनिफॉर्म उनकी क्या हो? होती है आइडेंटिटी होती है ठीक है आप इसको यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो आप स्कूल की आइडेंटिटी बता रहे कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ ठीक है ऐसे ही ये सब की एक आइडेंटिटी है कि डॉक्टर वाइट कोट पहनेगा आप पुलिस मैन जो होंगे उनकी आ, जो मिट्टी कलर होता है उस कलर की यूनिफॉर्म होती है ओके okay? आपने देखा होगा आपके टीचर्स होते हैं स्कूल में वो भी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं ओके सो बट डिफरेंट क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं और सबकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है जो भी काम कर रहा होता है ठीक है या आप लोग स्कूल आ रहे हो तो अलग यूनिफॉर्म पहन के आते हो ओके सो यहाँ तक हमारे जो क्लोथ्स है उसका चैप्टर कंप्लीट होता है ओके सो थैंक यू अवरीवान थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो follow us on facebook instagram twitter and linkedin as jack and jill academy for more information you can also download jack and jill academy's app from play store for online courses related to school education from pre primary to senior secondary level competitive exams like ntsc nda clat jee neet and multi activities like yoga art and craft dance music self defense and many more